हर मर्ज की दवा काकुल में मौजूद कौमी क्रिकेटर्स भी पहुंच गए। फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए 30 क्रिकेटर्स के लिए पूजी कैंप में कौन कौन शामिल है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल खिलाड़ी न्यूजीलैंड टीम के आइंदा दौरे से पहले फिटनेस बेहतर बनाने के लिए पाक पहुंच के तरबियती इदारे काकुल पहुंच गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB ने एक्स पर एक पोस्ट में चंद तस्वीरें शेयर की, जिसमें खिलाड़ियों को एबटाबाद में वाकया मिलिट्री अकेडमी काकुल में देखा जा सकता है। ख्याल रहे कि दो दिन पहले PCB ने ये ऐलान किया था कि 29 क्रिकेटर्स का ये एक फिटनेस कैंप करेंगे, जो कि पाक पहुंच के तावन से लगाया जा रहा है। ये गेम खिलाड़ियों को आने वाली सीरीज और टूर्नामेंट के लिए हिकमत अमली से तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है। कौमी टीम जल्द होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड के साथ T20 सीरीज खेलती नजर आएगी, जिसके बाद आयरलैंड और इंग्लैंड के साथ सीरीज में भी शेड्यूल का हिस्सा है। रवासल ICC T20 वर्ल्ड कप का कोई इनेकाद भी होगा, जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। ये कैंप 26 मार्च से शुरू हुआ, जो कि 8 अप्रैल तक जारी रहेगा, जिसमें शिरकत के लिए बाबर आजम, इमामुल हक और दीगर भी उमरे की अदायगी के बाद वतन वापस पहुंच गए। PCB ने कहा था कि कैंप की तवज्जो टीम की तामीर पर मरकूज रहेगी, जिसका मकसद खिलाड़ियों की जिस्मानी और जहनी ताकत को बढ़ाना और इस बात को यकीनी बनाना कि वो आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए बेहतरीन हालत में होंगे। जो खिलाड़ी काकुल के इस कैंप में तरबियत के लिए मुंतखब किए गए हैं, उनमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, फखर जमान, साहबजादा फरहान, हसीबुल्ला, सऊद शकील, उस्मान खान, मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा, आजम खान अहमद, इरफान खान नियाजी, शादाब खान, इबाद वसीम, उसामा अमीर, मोहम्मद नवाज, मेहरान मुमताज, इब्रार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, हसन अली, मोहम्मद अली, जमान खान, मोहम्मद वसीम जूनियर, आमिर जमाल, हारिस रऊफ और मोहम्मद आमिर शामिल है। ख्याल रहे कि ये पहली मरतबा नहीं के खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए फौज से मदद ली गई हो, बल्कि 2016 में भी टीम के दौरे इंग्लैंड से पहले फिटनेस को आलमी मायार पर लाने के लिए PCB ने काकुल में तरबियत कैंप लगाया था।